हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो इवनिंग का टाइम है और मैंने अभी बनाई है इवनिंग की टी और अपने अपने हस्बैंड के लिए। और ये मखाने फ्राई किए हैं थोड़े से, जो कि ऑयल फ्री या घी फ्री जो भी कहें हैं, और वो दिए हैं। बच्चे भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपकी दोस्त शिप्रा आ गई हूँ फिर से नई वीडियो के साथ में। और इवनिंग का टाइम है, आज का ब्लॉग 7 o'clock से स्टार्ट कर रही हूँ और पूरे रूम में कपड़े कपड़े फैला रखे हैं क्योंकि मैं सोच रही हूँ क्या हुआ बेटा, गिरो नहीं। हाँ तो आजकल ना मौसम कुछ अलग हो गया है, मतलब ज्यादा मोटे पहनो तो गर्मी लगती है और ज्यादा पतले पहनो कपड़े तो लगती है सर्दी। तो मैंने तो आज कुर्ती पहनी और कुर्ती के अंदर इनर पहन लिया तो मुझे ज्यादा ठीक लग रहा है। और मेरे बहुत मोटी मोटी जैकेट और स्वेटर निकाल रखे हैं, मैं सोचू उनको थोड़ा सा रख दूं उठा के तो सही रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कपड़े जब तक फैले रहते हैं ना तो हमारे लिए मुसीबत बने रहते हैं। तो उनको हम पहले प्रेस करके रखते हैं, फिर 10 कपड़े निकालने हटा के एक कपड़ा निकालते हैं, फिर वो सारे बिगाड़ लेते हैं। और बच्चों का भी यही होता है। तो अभी मैं यही प्रोसेस शुरू कर रही हूँ आज से कि थोड़े से जो ज़्यादा मोटे से कपड़े हैं ना, जैकेट्स वगैरह, उनको वॉश कर करके थोड़ा सा उठा के अपने जो बैड बॉक्स है उनके अंदर जमा देती हूँ तो सही रहेगा। तो अभी मैंने कुछ जो वॉश करी थी कुर्तियाँ वगैरह बेडशीट वगैरह, मैं सोचूँ चलो उनको प्रेस करके रखती हूँ, तो बस वही मैं कर रही थी। और तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ क्या क्या करती हूँ मैं आज। आपने एक बात नोटिस की, आज मैंने अपना मंगलसूत्र पहना है काफी दिनों बाद। मतलब हम लोग के यहाँ ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मंगलसूत्र पहने, पहले तो मैं डेली पहने रहती थी, बट जब बच्चे छोटे थे ना तो सक्षम और श्रीजा ऐसे पकड़ के खींचते रहते थे। तो एक दो बार इन्होंने मेरा खींच दिया, वो चैन खराब कर देते थे बच्चे। एक दो बार मैंने चैन भी तोड़ दी थी, मुझे याद है जब श्रीजा का नहीं सक्षम छोटा था, उन्होंने खींच खींच के मेरी गोल्ड की चैन तोड़ दी थी। तो तब से मैंने ना कम कर दिया था। तो आज मेरा पता नहीं मन कर रहा था कॉटन की कुर्ती पहनी, थोड़ा सा अच्छे से तैयार सी हुई और मैंने सोचा चलो आज अपना मंगलसूत्र पहनती हूँ। तो पता है हमारे आसपास में जो नाला है ना उसकी वजह से थोड़ा ब्लैक पड़ जाता है, गोल्ड भी अगर यूज़ करते रहो तो ठीक रहता है। खुशी का फ़ोन आ रहा है, पहले उससे बात कर लेती हूँ। और देखिए मेरे पूरे रूम में कपड़े फैले हुए हैं। तो आज जो मैंने मॉर्निंग में वॉश की थी बेडशीट वगैरह और कुछ कपड़े, तो मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ कि रोज़ के कपड़े रोज़ ही ना प्रेस करके लगा दूँ अलमारी में तो ठीक रहता है। और सच बताऊँ तो मैं हस्बैंड के कपड़े ज़्यादातर प्रेस करने के लिए बाहर देती हूँ, बच्चों के और अपने ज़्यादातर करती हूँ घर पे प्रेस। क्योंकि जो जीन्स वगैरह होती है ना और इनकी शर्ट होती है कॉटन की, तो वो जो प्रेस वाले भैया होते हैं ना वो एकदम परफेक्टली कर पाते हैं, अपने से इतने अच्छे से पैंट शर्ट इतने बढ़िया करके नहीं हो पाते। फिर इन कमी निकालते हैं ये कि तुमने ऐसे किया वैसे किया। तो जो मेरे मतलब जिनको हैंडल कर पाती हूँ उनको मैं कर लेती हूँ, बच्चों के और अपने तो मैं हमेशा प्रेस करके ही रखती हूँ। और मैंने तो अभी ये बहुत टाइम से नियम ही बना लिया है कि अपने और बच्चों के प्रेस करके ही रखने हैं, कभी रह जाते हैं तो वो मुसीबत बन जाते हैं। तो वो ठीक रहता है, कपड़े मैनेज रहते हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं। तो आप भी ऐसे ही करते हो क्या, ज़रूर बताना। और थोड़ी सी मुझे लगता है कि अगर हम कपड़ों को प्रेस करके रखते हैं ना अलमारी में तो हाइजीन भी मेंटेन रहती है ना। बोलते हैं ना कि मतलब बच्चों के तो इनर वियर्स पे भी टाइम टू टाइम प्रेस कर लेनी चाहिए जिससे कि वो जर्म्स फ्री हो जाएँ, और धूप में ही सुखाने चाहिए। तो वही मैं कर रही हूँ। तो बच्चों के कपड़ों की अलमारी मैं सोचूँ फिर से सेट कर देती हूँ आज। तो देखिए जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो तो हैं ही है ना, लेकिन उनसे ऊपर उठ के भी हमें सारी चीज़ों को घर की मैनेज करना पड़ता है। नहीं करेंगे उसी चीज़ को सोचते रहेंगे तो ना हम बहुत टेंशन में आ जाएंगे। और श्रीजा मेरी हेल्प कर रही है। और देखिए मास्क हैं, ये मास्क होम मेड हैं, ये ग्रीन वाले जितने भी हैं तो ग्रीन वाले तो ही होम मेड हैं। ये जो मेरी नन है उनकी सासू माँ हैं मौसी जी, तो उन्होंने बना के भिजवाए थे, तो देखो कितने परफेक्ट बने हुए हैं है ना। उनको इन चीज़ों का बहुत शौक है, दिखा दूँगी। और तो मैं सबको वॉश कर देती हूँ, जैसे आज जो यूज़ करे हुए हैं तो उनको वॉश कर देती हूँ, नेक्स्ट डे के नेक्स्ट डे यूज़ कर देती हूँ। तो ऐसे साफ मास्क रहते हैं, और मेरे पास तो काफ़ी सारे मास्क हैं, ढेर सारे। ये कल के यूज़ करे हुए हैं, तो बच्चों के साथ में होता है ना थोड़ा सा। और मेरे हस्बैंड के साथ में किडनी की प्रॉब्लम है, तो मास्क तो वो कई साल से यूज़ करते हैं। पहले वो डिस्पोजल वाले डब्बे हमारे यहाँ हमेशा ही रहते थे, वो अभी भी रहते हैं। तो जैसे ये बाहर जाते हैं काम पे, और देखिए मेरा मास्क है पता चल गया होगा, लिपस्टिक का निशान लग रहा है। तो सारी लिपस्टिक तो कलर नहीं छोड़ती, बट कोई सी लिपस्टिक होती है जो थोड़ा सा जो ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग सी होती है ना वो थोड़ी छूट जाती है। तो बस ये मैं अपनी मास्क वगैरह पे भी प्रेस करके रखूँगी, और प्रेस करने से ही मास्क भी ठीक रहते हैं। और ये देखिए मेरे कड़े हैं जो मेरी मम्मी ने भिजवाए थे, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आज मैंने पहने फर्स्ट टाइम, आज मन किया कि पहनती हूँ। और मैं श्रीजा से भी ना छोटे मोटे काम घर के करवाती रहती हूँ। आई डोंट नो कि मैं कैसी वाइफ हूँ कैसी मदर हूँ, आई डोंट नो, लेकिन अपने लेवल पे मैं बहुत मेहनत करती हूँ कि मेरे बच्चे कुछ सीखें, कुछ अच्छे इंसान बने, और थोड़ा सा कामों को करना भी सीखें। तो मैं श्रीजा को
कह रही हूँ श्रीजा तुम कपड़े सीधे करते जाओ, ये वाले काम मैं छोटे छोटे श्रीजा से हमेशा कराती हूँ। जैसे किसी को पानी पिलाना होगा वो श्रीजा करेगी, और जैसे मैं खाना बना रही हूँ तो ये रोटियाँ गरम गरम खिलाएगी, पानी कोई गेस्ट आया है उनको पिलाना, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें बच्चों को मैं सिखाने की कोशिश करती हूँ जिससे कि ये बिल्कुल मतलब थोड़ा सा सीखें कुछ चीज़ों को हैंडल करना। और इनके मन में एक वो भी रहे, जैसे बच्चे हैं ना और बड़ा काम कर रहा है तो बच्चों के मन में ये रहे कि हाँ हमारी मम्मा काम करें, हमें हेल्प करनी चाहिए, वाली फीलिंग आनी चाहिए। और मैं सक्षम से भी थोड़े थोड़े कराती हूँ, सक्षम छोटा है, आप सोचोगे उससे भी काम कराती हूँ, हाँ कराती हूँ। जो टॉयज़ फैला देता है घर में तो वो अपने टॉयज़ उठा के रखना, जो सक्षम की चीज़ें फैली होती हैं, सक्षम अपनी बुक्स ट्यूशन की अपने आप रखता है, अपनी अलमारी में अपने आप निकालता है। कुछ काम है जो मतलब डिवाइड करने बहुत ज़रूरी हैं। और आपको सच बताऊं, जब ये आया था ना कोरोना और ये लॉकडाउन हुआ था तो मेड वेट सब हटा दी थी मैंने, मेड तो अभी लगाई हैं 10 दिन से, तो तब मेरे सक्षम और श्रीजा बहुत हेल्प करते थे, मेरे हस्बैंड भी बहुत हेल्प करते, बाहर की वॉशिंग ये तीनों मिलके करते थे, इतना मैं किचन का काम करती थी। तो इससे ना एक हेल्प मिल जाती है और होना भी चाहिए। देखिए हम एक फैमिली हैं तो हमारे अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि, और देखो सक्षम कपड़ों पे चढ़ रहा है तो मैं उसको मना कर रही हूँ, धुले हुए कपड़े गंदे मत करो, लेकिन बच्चे तो बदमाशी करते ही हैं, कर रहे हैं बदमाशी। और श्रीजा कह रही है मम्मा देखो काम ख़राब कर रहा है। तो देखो बड़े बड़े कपड़े ना सीधे करने में श्रीजा को प्रॉब्लम होती है, अभी वो छोटी है ना, लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही सीखेगी। तो मैं उससे कराती हूँ थोड़े थोड़े काम कि करो नहीं करो, नहीं तो फिर बच्चों को ना बाद में हम कहें कि तुम कुछ हेल्प करो हमारी ये काम करो, बाद में नहीं आदत रहती, शुरू से ही आदत डालनी पड़ती है। और सक्षम के पैंट वेंट में सब प्रेस करके रखूँगी और जो मोटी मोटी कुर्तियाँ सब उठा के रखूँगी। तो देखो अलमारी में से जो एक्स्ट्रा कपड़े निकले ना उनमें कुछ पुरानी कैप वगैरह निकली उसको पहन पहन के घूम रहा है, और श्रीजा उसको डांट रही है कि सक्षम तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो। मैं उसको कह रही हूँ उसको रख दो, तो नहीं उसको वही पहननी होती है, बच्चों को वही काम करना होता है जो हम मना करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं उनको समझ नहीं है, छोटे हैं वो। तो देखो कैसा लग रहा है मेरा सक्षम, बंदर जैसा लग रहा है। तो उसको बंदर बनने में मज़ा आ रहा है, श्रीजा में मना कर रहे हैं मत पहनो, कह रहा नहीं वही पहनना है। तो बस उसको भी लगता है कि कुछ काम मैं भी करूँ कुछ मम्मी के साथ में, है ना। और ये मुझे सजेशन बहुत अच्छे देता है, मैं कोई चीज़ यूज़ करूँगी या पहनूँगी तो मैं कहूँगी कैसी लग रही हूँ, हाँ हाँ मम्मा अच्छी लग रही हो, नहीं नहीं मम्मा नहीं लग रही, वो सही बताता है मुझे हमेशा। और मेरी साइड लेता है हमेशा, जब पापा और श्रीजा एक साइड हो जाते हैं ना दोनों, तो सक्षम मेरी साइड आ जाता है। कैसे होते हैं ना बच्चे हमारे, और ये बचपन ही है, फिर ये बड़े हो जाएंगे अपने अपने काम पे चले जाएंगे, अपने पढ़ाई में बिज़ी हो जाएंगे, कहाँ इतना टाइम रहेगा। तो बस मैं ये जितने भी ज़्यादा मोटे मोटे कपड़े हैं उनको भी प्रेस करके मैं सोचूँ आज बेड बॉक्स में डाल दूँगी तो सही रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं घर के अंदर, इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। गर्मियों की कुर्तियाँ मैनेज करना फिर भी ईजी होता है, बट ये सर्दियों में जैकेट्स अलग निकालो, स्वेटर अलग हो, घर पे काम करते हुए पहनने के अलग होते हैं जो थोड़े से पुराने से होते हैं, बाहर जाने के अलग होते हैं ना, दुनिया भर के कपड़े, गर्म लोअर और गर्म लेगिंग्स इनर्स, है ना। आप भी इस बात से एग्री करोगे कि ये सर्दियों के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, गर्मियों के उनकी अपेक्षा कम होते हैं। अभी मैं बैठ गई, मैं श्रीजा से कह रही हूँ अपनी अलमारी ले आओ उसको ठीक कर लेते हैं, तो श्रीजा ने ला दी है ये अपनी अलमारी। तो मैंने ये ना बच्चों की जो होती है ना ये काफ़ी हेल्पफुल होती है इस तरह की, एक ये अलमारी बोलोगे या क्या बोलोगे इसको, ऑर्गेनाइज़र, ये लिया हुआ है। तो इसमें मैं अपने दोनों बच्चों के कपड़े सेट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे ये जो घर है ना जहाँ पे मैं रहती हूँ रेंट पे, इसमें कोई कबर्ड वगैरह या कोई अलमारी वगैरह नहीं है, ऊपर वाले पोर्शन में है बट बार बार कौन जाए, तो इसी में अपने बच्चों के कपड़े लगा लेती हूँ प्रेस करके। और इस वाली अलमारी को मैं लगभग 15 डेज़ में या मंथ में एक बार क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों के कुछ कपड़े हर बार ऐसे निकल जाते हैं जो यूज़फुल नहीं होते। तो दोनों बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, मैं उनको डांट रही हूँ कि ऐसा मत करो और कुछ काम करो, मैं कह रही हूँ कुछ काम करो बैठ के। तो देखो मैंने बच्चों के कपड़े कुछ अंदर लगा दिए हैं, तो पैंट्स एक साइड लगाई हैं, श्रीजा के अलग लगाए हैं, सक्षम के अलग लगाए हैं, जिससे कि बच्चों के कपड़े मिक्सअप ना हों। और जो सक्षम की बहुत मोटी मोटी पैंटें थी वो निकाल दी, और कुछ और ये वाली जीन्स है ना ये श्रीजा की टाइट हो गई हैं, मैं कह रही थी ये आंटी को दे दो जो मेड आ रही हैं, तो कह रही नहीं मम्मी मेरी फेवरेट है, पहले मैं इनको पहन के देखती हूँ, आती हैं तो ठीक है नहीं तो फिर दे दूँगी। तो इसमें से काफ़ी सारे कपड़े निकले थे जो मैंने जो मेरी मेड अभी आई थी उनको दे दिए थे कि भाई कोई छोटा बच्चा पहन लेना तो ठीक रहता है, अभी मैं उनको रखे रहूँ दबा के क्या फ़ायदा, उनको कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो मैं तो अपने बच्चों के जितने भी छोटे कपड़े होते हैं जो मेरी मेड आती हैं उनको दे देती हूँ, और वो बहुत हैप्पीली ले जाती हैं मेरे बच्चों के जितने भी शूज़ स्कूल बैग्स बॉटल्स और यहाँ की स्टेशनरी का आइटम जो भी होता है, जैसे इनके पुराने कलर्स वगैरह हैं, क्योंकि देखो आजकल बच्चों को बर्थडे वर्थडे में भी इतने दुनिया भर के मिल जाते हैं, उनको कहाँ तक स्टोर करके रखो, तो मैं उनको सबको डोनेट कर देती हूँ तो ठीक रहता है, और वो भी हैप्पी रहती हैं ना।
और ठीक है बच्चे यूज कर लेंगे, उनको खरीदने नहीं पड़ेंगे। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ तो दोनों झगड़ा करते हुए मेरे पास आ गए, कुछ गेम खेल रहे हैं। एक ही चीज़ चाहिए होती है दोनों को हमेशा। और इधर कॉर्नर में पॉकेट्स भी बनी हुई हैं, ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना इसमें, ये जो अलमारी सी है, तो इसमें ये बड़ा फ़ायदा है कि साइड वाली पॉकेट्स में हम इसमें मास्क रख सकते हैं, हैंकी, सॉक्स, ये सब रख सकते हैं बच्चों की। जो ऊपर एक पॉकेट सी बनी हुई है जो बंद है, उसमें मैं बच्चों के अंडर गारमेंट्स वगैरह रखे रहती हूँ या सॉक्स रखे रहती हूँ। तो मतलब इस अलमारी का ये फ़ायदा है कि सब चीज़ों के सेक्शन करके डिवाइड करके आप रख सकते हो। और मेरे पास कपड़े रखने के लिए नीचे पोर्शन में एक सेफ ही है, या फिर मेरे बेड हैं दो, तो उनमें इतना कपड़ा ना सेफ में रोज़ डेली यूज़ किया, मेरे हस्बैंड के इतने हो जाते हैं कि फिर बच्चों के भी उसके साथ रखो तो वो बड़े मिक्सअप से हो जाते हैं, बच्चों के छोटे छोटे कपड़े उसमें मिक्स हो जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो देखिए कोशिश तो मैं करती हूँ अपने हस्बैंड को भी संभालने की अच्छे से, बच्चों को भी सब कुछ मैनेज करने की, बट आई डोंट नो कि मैं एक अच्छी माँ एक अच्छी बीवी बन पाई कि नहीं बन पाई, कि लाइफ में मेरे इतने दुख क्यों आ गए। मैं हर चीज़ को पहले से इतना ध्यान रखती हूँ, सब कुछ अच्छे से करती हूँ, फिर भी मेरे घर में बीमारी आ गई, ऐसा क्यों हुआ? मैं कभी कभी बैठ के सोचती हूँ कहाँ पे गलती हुई, क्यों हुआ, मतलब अगर पता नहीं यार क्यों हुआ मेरी लाइफ में ऐसा। बहुत सारे मैंने 4-5 साल से मेरे दुख को झेल रही हूँ, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं बच्चों के कपड़े, मैंने कितना हैप्पी हो रहा है। मैं बस कभी कभी बैठ के ये सोचती हूँ यार सब कुछ, बहुत से लोग बहुत केयरलेस होते हैं, मैंने देखा हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखते, कुछ भी खाते हैं कुछ भी पीते हैं, कैसे भी रहते हैं गंदे संदे, तभी भी वो ठीक रहते हैं। और यहाँ देखो सब कुछ करने पे भी इनको ये बीमारी हो गई, किडनी की प्रॉब्लम। यहाँ पे श्रीजा ड्राइंग कर रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी शेड्स रह रहे हैं। मम्मी मुझे देखो कलर्स हमारे और थोड़े से यहाँ रखे हैं। मम्मी मुझे भी करनी है। तुम्हें भी करनी है, तुम अपना पेपर ले आओ जाओ। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं ये बेडशीट आज वॉश करी थी, और ये जो मेरा बेड का जो कवर है ना उसका गद्दे का ये चढ़ाऊंगी, और ये इतने एक्स्ट्रा कपड़े निकले अलमारी में सब मैंने निकाल दिए। करना है क्या? बोलो दीदी को, बोलो दीदी प्लीज मेरे लिए बना दो। दीदी गिर जाओगे मम्मा, इसके लिए ऐसे बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे कार, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ। हाँ तो आपको देख के तो सीखेगा बेटा वो, है ना? चलो आप क्या बनाओ? फ्लावर, गोट, वो रोबोट। रोबोट ठीक है। इस बच्चे कर रहे हैं कलरिंग, और मेरा काम भी फिनिश हो गया, लेकिन बहुत टाइम लग गया आज मुझे। तो मैं किस टाइम शुरू हुई थी, और देखिए 9:15 बज गए, और अभी आज ना अभी बस डिनर के लिए मैंने सब्जी बना के रख दी थी, तो अब खाना देती हूँ हस्बैंड को। और ये मैंने आलू टमाटर बना के रखे थे, तो बस रोटियाँ बनानी है, आटा भी लगा के रख दिया था, तो आटा भी लगा हुआ रखा है बस। और बच्चों ने अभी खीर खा ली थी, खीर थोड़ी सी बची रखी थी फ्रिज में, उसके बाद किसी ने खाई नहीं थी मेरी एनिवर्सरी की अभी तक रखी थी 14 की। और उसके बाद मेरे हस्बैंड की थोड़ी तबीयत खराब हो गई, तो जब इनकी तबीयत खराब होती है तो फिर खाने पीने की चीज़ों पे इतना ध्यान ना बच्चों का जाता है ना मेरा जाता है, कोई चीज़ अगर रखी है तो वो रखी रह जाती है, होता है ना घर में ऐसा। तो चलिए अब मैं रोटियाँ बनाती हूँ, खिलाती हूँ इनको। और अभी मैंने इनको एप्पल कट करके दिया था, उस पर थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक सॉल्ट डाल दिया था, वैसे मैं इनके लिए ऊपर से सॉल्ट डालती नहीं हूँ, बट इनको थोड़ा सा मन खराब सा हो रहा था तो इन्होंने कहा हल्का हल्का सा लगा दो, मुझे मन कर रहा है। मैंने कहा ठीक है चलो, वॉमिट नहीं होगी आपको। अभी तबीयत पहले से ठीक है लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं है इनकी, अभी वॉमिटिंग होने लग जाती है इनको, तो डॉक्टर से पूछा था, दवाई वगैरह ली थी, लेकिन इनको ज़्यादा दवाई वगैरह हम दे नहीं सकते, डॉक्टर भी यही कहते हैं कि अपने लेवल पे मैनेज करो आप, कुछ खाना पीना हल्का कर दिया करो, डायलिसिस वगैरह। डायलिसिस तो देखो चल ही रहे हैं, बस ये है कि डायलिसिस वगैरह बिल्कुल रोज भी नहीं बैठ सकते डायलिसिस रूम में, 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो अभी इनकी है थर्सडे के दिन है डायलिसिस, तो बस यही। चलिए मैं अब डिनर बनाती हूँ, एंड आई थिंक आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगेगा दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। कल की वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, आप सबको बहुत सारा प्यार, बाय बाय।